यस फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर आपके चैप्टर सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको केवल और केवल एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर वर्ष पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर होगा वो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। 99.99% चांस है कि आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। सो कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। 5 मार्क्स आपका कन्फर्म हो जाएगा, इतना जोर देकर के कह रहा हूँ, तो फुल गारंटी है और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, और आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच की, दो रेखाओं के बीच की। अब जरा सुनिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको हम स्पष्ट कर दें कि जब कोई दो रेखाएं एक ही तल में होती हैं तो उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 0 हो जाती है। कब? जब वो पैरेलल ना हो, क्योंकि जब समांतर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर देंगी, और जब कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर देगी तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और समांतर होती है तब उनके बीच की दूरी निकाली जाती है। लेकिन यहां हम जिन दो रेखाओं की बात कर रहे हैं वो विषम तलीय हैं, मतलब दो अलग अलग तल पे हैं और तिरछी हैं, उनके बीच की दूरी हमें यहां पता करना सीखना है। ये जो मैंने अभी आपसे बोला ना, हो सकता है कुछ कम समझ में आए, आज छोड़ भगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही एक टॉपिक आपके सिलेबस में है ही, दो रेखाओं के बीच की दूरी। कैसी दूरी? न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता करना है। आइए ध्यान से हमारी बातों को समझते हुए चलिएगा, फार्मूला डायरेक्ट बताऊंगा, फार्मूला लर्न करना, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको सॉल्व करना, टास्क दूंगा उसको करना, 5 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे, फुल गारंटी है, ठीक है। अब जरा समझिए डियर स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि दो लाइन है, एक लाइन है L1 जिसका इक्वेशन है x-x1/L1, ठीक है, इक्वल टू y-y1/M1 इक्वल टू z-z1/N1, ये पहली लाइन है, ठीक है। और एक दूसरी लाइन है, उसको L2 से दिखा दें, वो है x-x2/L2 इक्वल टू y-y2/M2 इक्वल टू z-z1/N2, ये दो लाइन आपको दी गई हैं इस फॉर्म में। अब यहाँ L1, M1, N1 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइंस है, आपको पता है डायरेक्शन रेशियो भी लिखा होगा, तभी इसी लॉजिक का यूज़ करके सॉल्व किया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसको हम SD से दिखाते हैं, SD मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होगी? जरा सुनो, डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, डिटरमिनेंट ऑफ x2-x1, y2-y1, z2-z1, यहाँ L1, यहाँ L2, यहाँ M1, यहाँ M2, यहाँ N1, यहाँ N2, इतनी बतिया सबको समझ में आ गई होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिख रहा हूँ, x2-x1, y2-y1, z2-z1, कोई दिक्कत नहीं है, L1, L2, M1, M2, N1, N2, यहाँ x वाली वैल्यू लिखी गई है, यहाँ y वाली और यहाँ z वाली। अब इतने फार्मूला नहीं है भैया, इसके अपान में फार्मूला होता है अंडर रूट, जरा ध्यान से सुन लेना भैया, वो होता है m1n2-n2m1 का होल स्क्वायर, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लस में l1 m2 करिए, -m2 l1 का होल स्क्वायर प्लस
N1 L2 माइनस L2 L1 N2, ठीक है, N2 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, ध्यान से समझ लीजिए भैया, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ इसको इधर इधर लिख दो, तभी को देख, एम एन का एक बार, फिर एल एम का, फिर एन एल का, यही पेयर बना करके लिखा जाता है। और बाकी N1 L2 लिखो, N2 L1 लिखो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई बच्चा M2 L1 माइनस, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे सेम लिख दिया है, L1 M2 किए, तो यहाँ पर M1 L2 होना चाहिए, या ऐसे लिखना चाहिए था हमको, क्या L2 M1 लिखना चाहिए था। और यहाँ पर N1 L2 लिखो, तो पहले N2 लिखोगे तो ठीक रहेगा, N2 L1 का होल स्क्वायर। ये हमने M1 N2 लिखा, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, M2 N1। ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो लिखने में आसानी होगी, ठीक है। एक बार M N का पेयर, फिर LM का, फिर NL का, ये है इसका फार्मूला। अब जरा सुनिए, ये नीचे जो है अपान में बार बार लिखने में इसको दिक्कत होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये ना लिख करके यहाँ इसी को डिवाइड का साइन बना के लिख देते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए तो हम आपको बताएं, ठीक है ना। अपान में जो लिखा हुआ है उसको अपान में ना लिख करके डिवाइड का साइन लगा करके भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप ऐसे भी लिखना हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अंडर रूट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्या भैया, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस M1 L2 माइनस M2 L1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब किसकी किसकी बारी है, N और LT की, तो N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। तो नीचे अपान में अपान का साइन लगा करके अगर मान लो आप नहीं लिखना चाहते हैं तो डिवाइड का साइन लगा करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाए, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ऐसे लिखा जाए। तो फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है और वैसे भी, यही मेन फार्मूला है। याद करना कितना आसान है, याद कर लेंगे, यहाँ एक्स वाले, फिर ये और यहाँ, ठीक है, यम के साथ एन, उसके बाद फिर यम के साथ एल, फिर एल के साथ एन, ठीक है, अपना सबका पेयर वहां पर बन जाएगा। इसी फार्मूले पर केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आइए हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो कि 2008 में पूछा गया है। अभी आपको हम दिखाएंगे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर कि हम आपको क्या बताएं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से सुन लो भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और एक चीज़ और, अभी तक लेक्चर को देखे हो और आपको लग रहा है कि हम आपके मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ना, तो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो बहुत अच्छा आप नहीं कर रहे हो, लेक्चर को लाइक कर दो यार। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपके अपने इसी चैनल DD मैथमेटिकल सोल्यूशन पर सुबह दंगल रिवीजन फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, दंगल रिवीजन की क्लास भी चल रही है, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अब इसको मेरी इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये इसका लास्ट लेक्चर था। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन दे देंगे उनको सॉल्व कर लेना, 5 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिख रहे हैं सरल रेखाओं, ध्यान दो भैया, सरल रेखाओं, दो स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पर दी गई हैं। कौन सी दी गई हैं भाई, एक्स माइनस थ्री अपान थ्री, उसके बाद इक्वल टू वाई माइनस एट अपान में माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपान में माइनस थ्री, ठीक है, सॉरी माइनस वन दिया गया है, ये पहली लाइन दी गई है, ठीक है। और दूसरी लाइन जो दी गई है और करके लिखा है तो मैं और ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स प्लस थ्री अपान में माइनस थ्री इक्वल टू वाई प्लस सेवन अपान में टू इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपान फोर, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आपको जैसा कि हमने बताया भी कि ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट तो है ही। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मिल करके सॉल्व करेंगे, हमारे साथ आप लोग इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं,
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो लाइन हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ लिखेंगे गिवन लाइंस, ठीक है। L1 जो है वो हमें क्या दी गई है, x माइनस 3 अपान 3 इक्वल y माइनस 8 अपान माइनस 1 इक्वल z माइनस 3 अपान 1। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से x1 की वैल्यू बोलो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, कंपेयर कर लेंगे। y1 आपको 8 मिलेगा और z1 जो मिलेगा भैया वो आपको 3 मिलेगा। L1 आपको 3 मिलेगा, L2 आपको माइनस सॉरी L1 के बाद M1, M1 आपको माइनस 1 मिलेगा और N1 आपको कितना मिलेगा, 1। ये इस पहली लाइन से जितनी की हमें ज़रूरत थी उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरी लाइन जो हमें L2 दी गई है वो क्या दी गई है, x प्लस 3 अपान माइनस 3 इक्वल y प्लस 7 अपान में 2 इक्वल z माइनस 6 अपान में 4। यहाँ से आप जब करेंगे तो आपको x2 जो मिलेगा वो माइनस 3 मिलेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, और y2 जो मिलेगा वो माइनस 7 मिलेगा और z2 जो मिलेगा वो सीधे सीधे 6 मिलेगा और l2 जो मिलेगा वो माइनस 3, m2 मिलेगा आपको 2, n2 जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड कर ली जिनको जिनकी हमें क्या है आवश्यकता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ज़रा सुनिए, डिटर्मिनेंट आप फार्मूला लिख देते हैं पहले, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 l2, m1 m2, n1 n2, यही तो होता है ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ध्यान सुन लो भैया, m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, m1 l2 माइनस m2 l1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सारी वैल्यूज हमें यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसे डियर स्टूडेंट्स हमें क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना। एकदम जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से समझ लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपके पेपर में आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 कर देंगे, आप लोग डायरेक्ट मत करिएगा। y2 माइनस y1 माइनस 7 माइनस में 8 है तो 8 7 15 माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आराम से समझिए और हमारे साथ भैया इसको क्या करिए, नोट करिए। और यहाँ पर z2 6 है और यहाँ कितना है 3, 6 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात यह समझ में आ रही है ना। और इसके बाद L1, L1 कितना है, 3 है, L2 कितना है, माइनस 3 है, उसके बाद फिर M1 माइनस 1 है और N1 प्लस 1 है, उसके बाद फिर M2 2 है और N2 कितना है, 4 है। अब देखो डिवाइड के लिए मेरे पास उधर जगह कम है तो मैं अपान में ही लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अंडर रूट, ध्यान से समझना सब लोग भैया, क्या है M1 M2, अब M1 N2 कहाँ है, M1 ये है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए N2 से, तो 4 वन जा 4 माइनस में कितना आ गया, 4 आ गया M1 N2, और उसके बाद फिर M2 N1 मतलब 2 + 1 = 2 माइनस 2 होगा का होल स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। उसके बाद क्या है M1 L2, M1 कितना है माइनस 1 और L2 कितना है आपको देखना है, L2 कितना है माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। उसके बाद फिर M2 L1, ठीक है, M2 कहाँ है, ये है 2, L1 कितना है इतना 6 तो माइनस 6 का यहाँ कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखना है हमें, N1 L2,
N1 कहाँ है, ये है, और L2 कहाँ है, ये है। तो -3 हो गया N1, L2 हो गया -3, और उसके बाद N2 L1, तो N2 ये है, L1 ये है, 12 हो जाएगा, माइनस में 12 का होल स्क्वायर। इतनी बात यहाँ पर आपको शायद समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब आइए जरा इसको हम सिंप्लीफाई करें और देखें हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला है, ठीक है ना। जो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है वो कितना हमें मिलने वाला है, जरा इसको हम लोग देख लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था कि कितना इसमें आ रहा है। चलिए सॉल्व करिए। पहले हम ऊपर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, पहले रो के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे -6। अब -6 जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ते हैं तो -4 लिखा जाता है, और ये माइनस, तो डिटर्मिनेंट आपको आता होगा, तो इसका साइन माइनस होता है, तो -15, तो ये हो जाएगा प्लस में 15। अब ये और ये छूटेगा, 4 3 12 और 3 1 कम 3 12, और प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। और प्लस में कितना लिखा जाएगा, 3 जिस रो जिस कॉलम में है, 3 2 6 3 1 कम 3 6, और प्लस में कितना हो गया, 3 हो गया। अपान में अंडर रूट, अब देखो -4 -2 6 का मतलब 36 हो गया, और यहाँ -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 36 9 और 225, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए और देखिए क्या आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे -4 -2 -6 6 36 प्लस में हो गया, है ना, और यहाँ पर 12 15 225 यहाँ भी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 6 3 9 3 27 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना। अपान में अंडर रूट, इन सब को जोड़ लीजिए और देखिए कितना आएगा, जोड़िए, ठीक है, 9 9 5 14 14 6 20 के 0, ठीक है, मुझे लगता है 270 आएगा, 270, ठीक है, कैसे आएगा, 9 2 11 3 15 2 17, ठीक है, और 2 1 3 2, ठीक है, नहीं 370 आना चाहिए, 270 ही आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जोड़ लीजिए, 9 5 14 14, ठीक है, 3 2 5 2 7, ठीक है। अब ये हो गया, अब जरा हम ऊपर वाले को भी ऐड करें, 36 2 25 फिर 27, ठीक है, ये हमारा 36 2 25 प्लस 9 इसमें दे रहा है, और हमारे में आ रहा है कितना, 3 3 9 6 -3 होना चाहिए था, 6 -3 3 को जब लेके हमने एक्सपेंड किया है तो 3 लिया, इसका साइन प्लस होता है, ये और ये छोड़ा हमने, हाँ 3 2 6 3 3 9 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा ना भैया, तो 6 -3 हो जाएगा, तो कुल मिला करके यहाँ 3 यहाँ 9 आएगा, है ना। तो देखो क्या इत्तफाक है, जो नीचे वही ऊपर भी आएगा, 270 अपान अंडर रूट 270, फाइनली ये अंडर रूट 270 आ जाएगा, यही डियर इसका क्या होगा, आंसर होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस, दी गई जो रेखाएं थी उनके बीच की यही न्यूनतम दूरी होगी जो यहां पर हमने आपको फाइंड करके दिखाया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस डिटर्मिनेंट वगैरह आपको आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन भैया आपको नहीं आता है ना, आपको दिक्कत होती है, तो आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा टॉपिक, आप डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी केवल फार्मूले पर वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ स्टेप मार्किंग भी होती है, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक आपसे होती है तब भी आपको वहाँ पर नंबर मिलता है। इस क्वेश्चन को ज़रा नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है ज़रूर से ज़रूर, और उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग इसको ज़रूर समझ लिए होंगे, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया है, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, इसको मान लीजिए, आएगा ज़रूर आपके पेपर में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनको आप लोग क्या करिएगा, लगा लीजिएगा, देखिएगा अभी कितना क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, मैं लिखूँ एक बार तो अभी आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन नोट जरूर कर लीजिए सारा क्वेश्चन भैया, और लगा लीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, सरल, ध्यान दो भैया,
सरल रेखाओं, समझते चलिएगा, सरल रेखाओं स्ट्रेट लाइंस हैं, एक्स माइनस वन अपान में टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपान में थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपान में फोर, तथा एक्स माइनस टू अपान में थ्री इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान में फोर इक्वल टू जेड माइनस फोर अपान में फाइव के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आपको हम बता दे रहे हैं कि दो बार ये पूरे पेपर में पूछा गया, हल्के मत लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी बीटीई ये क्वेश्चन 2006 में आया है, फिर 2016 में आया, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और आंसर मुझे बताना है। अब ज़रा दूसरा देखिए, ये भी पेपर में पूछा गया है, रेखाओं नोट ज़रूर कर लेना क्वेश्चन हुआ भैया, रेखाओं कौन से एक्स माइनस वन अपान टू इक्वल वाई माइनस टू अपान में थ्री, ठीक है, इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपान में सिक्स, तथा एक्स माइनस फोर अपान में फाइव इक्वल टू वाई माइनस वन अपान में टू इक्वल टू जेड बाई फोर के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगा लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और रुकिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कितना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सरल रेखाओं, लिख करके लगा ज़रूर लेना भैया, सरल रेखाओं, अभी आंसर ही बता दूंगा, सरल रेखाओं एक्स माइनस थ्री अपान थ्री इक्वल, नोट करते चलो जी, वाई माइनस एट अपान माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपान में वन, और यक्स प्लस थ्री अपान में माइनस थ्री इक्वल वाई प्लस सेवन अपान में टू इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपान फोर के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन यूपी बीटीई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ में आ गया, इसको भी आपको सॉल्व करना है। एक और लिख लीजिए, रेखाओं सब लगा जरूर लेना, रेखाओं एक्स माइनस सिक्स अपान वन इक्वल टू वाई माइनस टू अपान में माइनस टू इक्वल टू जेड माइनस टू अपान में टू, और एक्स प्लस फोर अपान में थ्री इक्वल टू वाई अपान माइनस टू इक्वल टू जेड प्लस वन अपान माइनस टू के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी बीटीई 2014, अब इसको देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना ज़्यादा ये पेपर में पूछा गया है, एक तरफ से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको आप सभी लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है, 70, इसका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो आएगा 1/√5, ठीक है, इस वाले का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो जो आएगा भैया 3√30 आएगा, ठीक है, और इस वाले का जो क्वेश्चन आंसर आएगा इसका आंसर 9 आएगा। एक और बच रहा है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ,
15 का सेकंड पार्ट है ये, 15 का सेकंड पार्ट है, जीरो आ रहा है, इसका आंसर जीरो आ रहा है। अब देखो आंसर जीरो आ रहा है तो इसके बारे में कुछ और पूछ सकता है। ये पेपर में इतनी बार क्यों आया, क्योंकि बच्चे कहेंगे कि सर जीरो क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखो अगर उनके बीच की दूरी जीरो आ गई इसका मतलब वो एक ही समतल में है, एक ही समतल में है और प्रच्छेदी हैं, तो रेखाएं कैसे बोल देंगे हम, समतलीय हैं, समतलीय तथा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये, इसीलिए इनके बीच की दूरी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो प्रूफ करने के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, आप कह सकते हैं ये टॉपिक इस चैप्टर की जान थी जो हमने आपको बताया। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक थे उन सभी के सभी पर हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है, उन सभी के सभी पर हमने यहाँ पर चर्चा कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए और इनको सॉल्व करके मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि आपका यही आंसर आया या नहीं आया, या कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करिएगा, लगा करके करिएगा ईमानदारी से। मैं इसको डियर स्टूडेंट्स इरेज कर दे रहा हूँ। आज आपकी ये जो यूनिट थी लास्ट जो सरल रेखा थी वो हो गई है समाप्त, वो हो गई है समाप्त। तो अब आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसी हिसाब से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर प्लान करेंगे। बाकी दंगल रिवीजन की क्लास चल रही है, उसमें आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करिए जिससे आपके बेहतर से बेहतर अंक आपको प्राप्त हो सकें, ठीक है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।